अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदा। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल किटी कुड़ी में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाले कुरान पैरा 18 का फर्स्ट पार्ट, तो सुनते फील करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए जो नमाज में इज्जो नियाज करते हैं, और जो बेहूदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं, और जो जकात अदा करते हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों से या कनीजों से जो उनकी मिल्क होती हैं, कि उनसे ताल्लुक कायम करने में उन्हें मलामत नहीं, और जो उनके सिवा औरों के तालिब हों वो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से निकल जाने वाले हैं, और जो अमानतों और इकरारों को मलहूज रखते हैं, और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, यही लोग मीरास हासिल करने वाले हैं, यानी जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया है, फिर उसको एक मजबूत और महफूज जगह में नुतफा बनाकर रखा, फिर हमने नुतफे का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त पोस्त चढ़ाया, फिर उसको नई सूरत में बना दिया। सो बड़ा बरकत वाला है अल्लाह जो सबसे अच्छा बनाने वाला है। फिर उसके बाद तुम मर जाते हो, फिर कयामत के रोज उठा खड़े किए जाओगे, और हमने तुम्हारे ऊपर की जानिब 7 आसमान पैदा किए, और हम खलकत से गाफिल नहीं है, और हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी बरसाया, फिर उसको जमीन में ठहरा दिया, और हम उसके नाबूद कर देने पर भी कादिर हैं। फिर हमने उससे तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए, उनमें तुम्हारे लिए बहुत से मेवे होते हैं, और उनमें से तुम खाते हो, और वो दरख्त भी हम ही ने पैदा किया जो तूरे सेना के दामन में होता है, यानी जैतून का दरख्त के खाने के लिए रोगन और सालन लिए हुए उगता है, और तुम्हारे लिए चौपायों में भी इबरत है कि जो उनके पेटों में है उससे हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें और भी बहुत से फायदे हैं, और बास को तुम खाते भी हो, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवारी भी करते हो। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो उन्होंने उनसे कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं? इस पर उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम्ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करनी चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता, हमने अपने अगले बाप दादा में तो यह बात कभी सुनी नहीं, इस आदमी को तो दीवानगी का आरजा है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतजार करो। नूह ने कहा कि परवरदिगार, इन्होंने मुझे झुटलाया है, तू मेरी मदद कर। बस हमने उनकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ, फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचे और तन्नूर पानी से भरकर जोश मारने लगे तो सब किस्म के पालतू हैवानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा लो, और अपने घर वालों को भी सिवाय उनके जिनके निस्बत उनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादिर हो चुका है, और जालिमों के बारे में मुझसे कुछ न कहना, वो जरूर डुबो दिए जाएंगे। बस जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ तो अल्लाह का शुक्र करना और कहना कि सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमको जालिम लोगों से नजात बख्शी, और यह भी दुआ करना कि ऐ परवरदिगार हमको मुबारक जगह उतारियो, और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक इस किस्से में निशानियां हैं और हमें तो आजमाइश करना थी। फिर उनके बाद हमने एक और जमात पैदा की और उन्हीं में से उनमें एक पैगंबर भेजा जिसने उनसे कहा कि अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं? और उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे और आखिरत के आने को झूठ समझते थे और दुनिया की जिंदगी में हमने उनको आसूदगी दे रखी थी, कहने लगे कि यह तो तुम ही जैसा आदमी है, जिस किस्म का खाना तुम खाते हो उसी तरह का यह भी खाता है, और जो पानी तुम पीते हो उसी किस्म का यह भी पीता है, और अगर तुमने अपने ही जैसे आदमी का कहा मान लिया तब तो तुम घाटे में पड़ गए। क्या ये तुमसे ये कहता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों के सिवा कुछ न रहेगा तो तुम जमीन से निकाले जाओगे? जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है बहुत बईद और बहुत बईद है।
जिंदगी तो यही हमारी दुनिया की जिंदगी है कि इसी में हम मरते और जीते हैं और हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने अल्लाह पर झूठ इफ्तरा किया है और हम इसको मानने वाले नहीं। पैगंबर ने कहा कि ऐ परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा समझा है, तू मेरी मदद कर। फरमाया कि ये थोड़े ही अरसे में पशिमान होकर रह जाएंगे। आखिर उनको वादे बरहक के मुताबिक जोर की आवाज ने आ पकड़ा तो हमने उनको कूड़ा कर डाला। बस जालिम लोगों पर लानत है। फिर उनके बाद हमने और जमातें पैदा की। कोई जमात अपने वक्त से ना आगे जा सकती है ना पीछे रह सकती है। फिर हम लगातार अपने पैगंबर भेजते रहे। जब किसी उम्मत के पास उसका पैगंबर आता था तो वो उसे झुटला देते थे, तो हम भी बास को बास के पीछे हलाक करते और उन पर अजाब लाते रहे और उनको दास्ताने बनाकर छोड़ते रहे। बस जो लोग ईमान नहीं लाते उन पर लानत। फिर हमने मूसा और उनके भाई हारून को अपनी निशानियां और दलीलें जाहिर देकर भेजा, यानी फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ। तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो सरकश लोग थे। कहने लगे, क्या हम इन अपने जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आए, जबकि इनकी कौम के लोग हमारे खिदमतगार हैं। तो उन लोगों ने उनकी तकजीब की, सो आखिर हलाक कर दिए गए। और हमने मूसा को किताब दी थी ताकि वो लोग हिदायत पाएं, और हमने मरियम के बेटे ईसा और उनकी मां को एक निशानी बनाया था और उनको एक ऊंची जगह पर जो रहने के लायक थी और जहां निथरा हुआ पानी जारी था पनाह दी थी। ऐ पैगंबरों, पाकीजा चीजें खाओ और अमल नेक करो, जो अमल तुम करते हो मैं उनसे वाकिफ हूं। और ये तुम्हारी जमात हकीकत में एक ही जमात है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो मुझसे डरो। फिर लोगों ने आपस में अपने काम को मुतफर्रिक करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। जो चीज जिस फिरके के पास है वो उसी से खुश हो रहा है, तो इनको एक मुद्दत तक इनकी गफलत में ही रहने दो। क्या ये लोग ये ख्याल करते हैं कि हम जो दुनिया में इनको माल और बेटों से मदद देते हैं तो इससे इनकी भलाई में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि ये समझते ही नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार के खौफ की वजह से डरते हैं और जो अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान रखते हैं और जो अपने परवरदिगार के साथ शरीक नहीं करते और जो दे सकते हैं देते हैं, जबकि उनके दिल इस बात से डरते रहते हैं कि इनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। यही लोग नेकियों में जल्दी करते हैं और यही इनके लिए आगे निकल जाते हैं। और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदार नहीं बनाते। और हमारे पास एक किताब है जो सच सच कह देती है और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, मगर इनके दिल इन बातों की तरफ से गफलत में पड़े हुए हैं। और इनके सिवा और अमाल भी हैं जो ये करते रहते हैं, यहां तक कि जब हमने इनमें से आसूदा हाल लोगों को अजाब में पकड़ लिया तो वो उसी वक्त चिल्ला उठेंगे, आज मत चिल्लाओ, तुमको हमसे कुछ मदद नहीं मिलेगी, मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थी और तुम उल्टे पांव फिर फिर जाते थे, उनसे सरकशी करते गोया एक किस्सा गो को छोड़कर चले जाते थे। क्या इन्होंने इस कलाम में गौर नहीं किया, या इनके पास कोई ऐसी चीज आई है जो इनके अगले बाप दादों के पास नहीं आई थी, या ये अपने पैगंबर को जानते पहचानते नहीं इस वजह से इनको नहीं मानते? क्या ये कहते हैं कि इसे जुनून है? नहीं, बल्कि वो इनके पास हक को लेकर आए हैं और इनमें से अक्सर हक को नापसंद करते हैं। और अगर माबूद बरहक इनकी ख्वाहिशों पर चलने लगे तो आसमान और जमीन और जो इनमें है सब दरहम बरहम हो जाएं। बल्कि हमने इनके पास इनकी नसीहत की किताब पहुंचा दी है और ये अपनी किताब नसीहत से मुंह फेर रहे हैं। क्या तुम इनसे तबलीग के सिले में कुछ माल मांगते हो? तो तुम्हारे परवरदिगार का दिया हुआ माल बहुत अच्छा है और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है, और तुम तो इनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हो। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो रास्ते से अलग हो रहे हैं। और अगर हम इन पर रहम करें और जो तकलीफें इनको पहुंच रही हैं वो दूर कर दें तो ये अपनी सरकशी पर अड़े रहें और भटकते फिरें। और हमने इनको अजाब में भी पकड़ा तो भी इन्होंने अल्लाह के आगे आजिजी न की, और ये आजिजी करते ही नहीं, यहां तक कि जब हमने इन पर अजाब शदीद का दरवाजा खोल दिया तो उस वक्त वहां नाउम्मीद हो गए। और वही तो है जिसने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए लेकिन तुम कम ही शुक्र करते हो, और वही तो है जिसने तुमको जमीन में पैदा किया
और उसी की तरफ तुम सब जमा होकर जाओगे, और वही है जो जिंदगी बख्शता और मौत देता है, और रात और दिन का बदलते रहना उसी का तसर्रुफ है, क्या तुम समझते नहीं? बात यह है कि जो बात अगले काफिर कहते थे उसी तरह की बात ये कहती हैं, कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों के सिवा कुछ ना रहेगा तो क्या हम फिर उठाए जाएंगे? ये वादा हमसे और हमसे पहले हमारे बाप दादा से भी होता चला आया है। अजी ये तो सिर्फ अगले लोगों की कहानियां हैं। कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि जमीन और जो कुछ जमीन में है सब किसका माल है? झट बोल उठेंगे कि अल्लाह का। कहो कि फिर तुम सोचते क्यों नहीं? इनसे पूछो कि सात आसमानों का कौन मालिक है और अर्श अजीम का कौन मालिक है? बेसाख्ता कह देंगे कि ये चीजें अल्लाह ही की हैं। कहो कि फिर तुम डरते क्यों नहीं? कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और वो पनाह देता है और उसके मुकाबिल कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता? फौरन कह देंगे कि ऐसी बादशाही तो अल्लाह ही की है। कहो कि फिर तुम पर जादू कहां से पड़ जाता है? बात यह है कि हमने इनके पास हक पहुंचा दिया है और ये जो बुतपरस्ती किए जाते हैं बेशक झूठे हैं। अल्लाह ने न तो किसी को अपना बेटा बनाया है और न उसके साथ कोई और माबूद है। ऐसा होता तो हर माबूद अपनी अपनी मखलूकात को लेकर चल देता और एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। ये लोग जो कुछ अल्लाह के बारे में बयान करते हैं अल्लाह उससे पाक है, वो पोशीदा और जाहिर को जानता है, और मुशरिक जो उसके साथ शरीक ठहराते हैं उसकी शान उससे बुलंद है। ऐ नबी कहो कि ऐ परवरदिगार जिस अजाब का इन कुफार से वादा हुआ है अगर तू मेरी जिंदगी में इन पर नाजिल करके मुझे भी दिखाए तो ऐ परवरदिगार मुझे उससे महफूज रखियो और इन जालिमों में शामिल न कीजो, और जो वादा हम इनसे कर रहे हैं हम तुमको दिखाकर इन पर नाजिल करने पर कादिर हैं, और बुरी बात के जवाब में ऐसी बात कहो जो निहायत अच्छी हो, और ये जो कुछ बयान करते हैं हमें खूब मालूम है। और कहो कि ऐ परवरदिगार मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूं, और ऐ परवरदिगार इससे भी तेरी पनाह मांगता हूं कि वो मेरे पास आ मौजूद हों। ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे यहां तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा कि ऐ परवरदिगार मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं उसमें जिसे छोड़ आया हूं नेक काम किया करूं। हरगिज नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो इसे जबान से कह रहा होगा और इसके साथ अमल नहीं होगा, और उनके पीछे बरजख है जहां वो उस दिन तक के दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो न तो उनमें कराबतें रहेंगी और न एक दूसरे को पूछेंगे। तो जिनके आमाल के बोझ भारी होंगे तो वही कामयाब हैं, और जिनके बोझ हल्के होंगे वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, हमेशा दोजख में रहेंगे। आग उनके चेहरों को झुलस देगी और वो उसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं? फिर तुम तो उनको झुटलाए ही जाते थे। वो कहेंगे ऐ हमारे परवरदिगार हम पर हमारी कमबख्ती गालिब आ गई और हम रस्ते से भटक गए, ऐ परवरदिगार हमको उसमें से निकाल दे, अगर हम फिर ऐसे काम करें तो जालिम होंगे। फरमाएगा कि उसी में जिल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात न करो। मेरे बंदों में एक गिरोह था जो दुआ किया करता था कि ऐ हमारे परवरदिगार हम ईमान लाए तो तू हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। तो तुम उनसे तमस्खुर करते रहे यहां तक कि उनके पीछे मेरी याद भी भूल गए, और तुम हमेशा उनसे हंसी किया करते थे। आज मैंने उनको उनके सब्र का बदला दिया कि वही कामयाब हो गए। अल्लाह पूछेगा कि तुम जमीन में कितने बरस रहे? वो कहेंगे कि हम एक रोज या एक रोज से भी कम रहे थे। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि वहां तुम बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते होते। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है उसकी शान इससे ऊंची है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्शे करीम का मालिक है। और जो शख्स अल्लाह के साथ और माबूद को पुकारता है जिसकी उसके पास कुछ भी सनद नहीं तो उसका हिसाब उसके रब के हां होगा। कुछ शक नहीं कि काफिर कामयाब नहीं होंगे,
और अल्लाह से दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये एक सूरा है जिसको हमने नाजिल किया और इसके अहकाम को फर्ज कर दिया, और इसमें साफ साफ आयतें नाजिल की ताकि तुम याद रखो। बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द, जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो। कितना ही ब्यूटीफुल लगा, कितना ही सुनने में अच्छा लगा। इसमें तो बता रखे कि जो भी पैगंबर है नूह है अपने मतलब बस्ती में आते थे, लोगों को समझाते थे, लेकिन जो वहाँ के काफ़ी लोग थे वो उनको मानते नहीं थे। जो काफ़ी लोग थे वो और लोगों को भटकाने की कोशिश करते थे और पैगंबर को गलत साबित करने की कोशिश करते थे, तो पैगंबर अल्लाह ताला से बोलते थे कि लोग मुझे मानते नहीं, तो अल्लाह ताला बोलते थे तुम लोगों को समझाओ ज़रूर तुम्हारी बात मानेंगे। तो जो पैगंबर की बात मान जाते थे वो मतलब वो अच्छे रहते थे, भले रहते थे, वो अल्लाह ताला की इबादत करते थे। लेकिन जो कुफ्र करते थे, जो रास्ते से भटक जाते थे, जो मानते नहीं थे, जो जिनके दिल में ईमान नहीं था, बेईमानी थी, उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। जिन्होंने पैगंबरों की बात नहीं मानी उनकी बस्ती का क्या हाल हुआ आप लोग जानते ही हैं। ऊपर वाले ने उनके बस्ती पे क्या अजाब दिया है। जो लोग कुरान के आयतों को नहीं मानते हैं उसके रास्ते में भटकाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं, गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, उस कुरान में से गलत गलत चीज़ें निकाल के उल्टा सीधा साबित करने की कोशिश करते हैं, लोगों को भी उसके खिलाफ भटकाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना आखिरकार सबका हिसाब ऊपर ही जाकर होगा, उसके लिए आपका हिसाब बहुत बुरा तरीके का होगा। जो लोग बहुत बुरे होते हैं, जिनके दिल में ईमान नहीं होता, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, ऊपर वाला उनको देखता है और उनको अजाब देता है, उनके चेहरे जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, कैसे उनको बुरी तरीके से अजाब मिलता है जो उनकी रूह को भी कपा देता है। तो हमें याद रखना चाहिए, हमें अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, पैगंबरों की बात मानना चाहिए, अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, कुरान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, किसी भी गलत रास्ते पे नहीं चलने चाहिए, अच्छे रास्ते पे चलने चाहिए, अच्छी चीज़ें अपनानी चाहिए, दूसरों को भी अच्छी चीज़ें अपनाने के लिए बोलना चाहिए, कभी भी गलत रास्ते गलत का साथ नहीं देना चाहिए। जो कि बहुत ही अच्छा लगा, और इसे बता रखा कि इबादत अल्लाह ताला की करो, उन्हीं की इबादत आखिरकार पूरी दुनिया उन्होंने बनाई है और किसी चीज़ के नहीं। तो इसे बहुत ही अच्छा लगा, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।